गाइस मैं सैलून में आ चुकी हूँ और अब मेरा होने वाला है हेयर वॉश। आप देख सकते हैं अब ये मेरे हेयर वॉश करेंगे। और हेयर वॉश के लिए इन्होंने सिर्फ शैम्पू यूज़ किया है, कंडीशनर यूज़ नहीं किया है इन्होंने। गाइस आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत अच्छी तरीका से मेरे हेयर को वॉश कर रही हैं। शैम्पू करने के बाद इन्होंने बहुत अच्छी तरीका से टॉवल की हेल्प से इन्होंने मेरे हेयर को ड्राई किया है। शैम्पू करने के बाद मेरे बालों को अच्छे से कॉम्ब की हेल्प से सारे टेंगल्स को रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गाइस अच्छे से कॉम करने के बाद मेरे हेयर लेंथ को थोड़ा सा कट करेंगे। हेयर कट हो जाने के बाद उसके बाद अप्लाई करेंगे स्ट्रेटनिंग क्रीम। गाइस स्ट्रेटनिंग से हमारे हेयर स्मूथ हो जाते, शाइनिंग हो जाते और सारे रेटिंगल से भी फ्री हो जाते।
हेयर स्ट्रेटनिंग में 4 या 5 आवर्स लग ही जाते हैं, और आपके हेयर लॉन्ग है तो या फिर शॉर्ट है तो उस पर डिपेंड करता है कि कितने आवर्स लग जाते हैं। गाइस मेरा हेयर थोड़ा लॉन्ग था इसलिए मेरा 4 to 5 आवर्स लग गया। ऐसे तो गाइस हमारे हेयर में एक्सपेरिमेंट करवाते रहते हैं, कलर करवाते हैं, स्मूदनिंग करवाते हैं, उससे हमारे हेयर डैमेज हो जाते हैं, फ्रीजीपन हो जाते हैं, और ये स्ट्रेटनिंग से हमारे हेयर को फ्रीजी से और ड्राई होने से बचाता है, और प्लस हमारे हेयर को शाइनिंग स्मूदनिंग भी बनाता है। और वैसे भी हमारे जो डेली लाइफ है वो बहुत बिजी रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उसके वजह से हम लोग हेयर में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो गाइस उसके कारण हमारे हेयर बहुत ही डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, फ्रीजी हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, स्ट्रेटनिंग से हमारे हेयर को शाइनिंग स्मूदनिंग भी बनाता है, और सन के वजह से और पोल्यूशन के वजह से भी हेयर बहुत ड्राई हो जाता है। तो ये स्ट्रेटनिंग के बाद गाइस मैं हेयर ट्रीटमेंट भी करवाऊँगी, कैरेटिन ट्रीटमेंट करवाऊंगी, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो वही होगा, उसका वीडियो जो आप मैं बनाने वाली हूँ गाइस, वो भी आप ज़रूर देखें, पूरा वीडियो आप वो देखेंगे तो आपको वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा वीडियो, और कैरेटिन ट्रीटमेंट वीडियो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि कैरेटिन ट्रीटमेंट में क्या होता है गाइस, हमारे जो फ्रीजी हेयर, ड्राई हेयर सबको मतलब अच्छा बनाता है, शाइनिंग बनाता है, स्मूदनिंग देता है हेयर। तो इससे क्या होता है, हेयर मतलब नेचुरली स्ट्रेट भी हो जाता है। और ये हेयर क्रीम को कम से कम 40 मिनट्स रखना है, उसके बाद ये ड्राई हो जाने के बाद ये फिर से मेरे हेयर को वॉश करेंगे गाइस। गाइस स्ट्रेटनिंग क्रीम लग चुका है आप देख सकते हैं, और इसे ड्राई करने के लिए मुझे 40 मिनट्स रखना है। 40 मिनट्स के बाद ये मेरे हेयर को अच्छे से वॉश करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद गाइस देख सकते हैं ये वाटर से मेरे हेयर को अच्छे से वॉश कर रही हैं। इन्होंने कम से कम 15 से 20 मिनट तक मेरे हेयर को वॉश किया है। हेयर वॉश अच्छे से हो जाने के बाद इन्होंने हेयर में हेयर मास्क अप्लाई किया है, इसे 10 मिनट तक अच्छे से इन्होंने मसाज किया है मेरे हेयर को। हेयर मास्क हेयर को बहुत ही सॉफ्ट कर देता है और शाइनिंग भी देता है। हेयर मास्क से हमारे हेयर स्कैल्प को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। हेयर मास्क 10 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद उसके बाद ये वाटर से मेरे हेयर को वॉश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गाइस। इसे भी कम से कम 10 से 15 मिनट इन्होंने मेरे हेयर को वॉश किया है बहुत बहुत ही अच्छी तरीका से।
अच्छे से हेयर वॉश हो जाने के बाद इन्होंने टॉवल की हेल्प से मेरे हेयर को अच्छे से ड्राई किया। अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद उसके बाद गाइस इन्होंने मेरे हेयर को ड्राई किया और ये हॉट एयर ड्रायर था तो इसके वजह से मेरे हेयर बहुत जल्दी ड्राई हो गया था। गैस अब देख सकते हैं मेरे हेयर को अच्छे से ड्राई कर लिया है इन्होंने, मेरा हेयर बहुत अच्छा ड्राई हो गया है। उसके बाद ये स्ट्रेटनिंग की हेल्प से मेरे हेयर को अच्छे से स्ट्रेट कर रहे हैं। गैस अब देख सकते हैं गाइस, मेरा हेयर अच्छे से स्ट्रेट हो गया है। उसके बाद ये न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करेंगे मेरे हेयर में। गाइस न्यूट्रलाइज़र से हमारे हेयर को पोषण मिलता है, शाइनिंग मिलता है, स्मूदिंग मिलता है और सिल्की भी बनाता है हेयर को। आप देख सकते हैं गाइस ये अप्लाई करेंगे न्यूट्रलाइज़र मेरे हेयर को। गाइस ये मेरे हेयर को सेक्शन वाइज ले करके न्यूट्रलाइज़र अच्छे से अप्लाई करेंगे मेरे हेयर को ताकि ये मेरे हेयर में अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने के बाद इसे कम से कम 10 से 15 मिनट रखना है ताकि ये मेरे हेयर को अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और गाइस ये पार्ट पार्ट मेरे हेयर को ले करके न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं, ताकि ये मेरे हेयर में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और कोई भी हेयर मिस ना हो, इसलिए ये पार्ट पार्ट हेयर को ले करके
या न्यूट्रलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं। गाइस मेरे हेयर में अच्छे से न्यूट्रलाइज़र अप्लाई हो चुका है और इसे 10 टू 15 मिनट रखना है और इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करना है हेयर को, और 10 टू 15 मिनट के बाद ये मेरे हेयर को फिर से वाटर की हेल्प से वॉश करने वाले हैं। गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा थर्ड बार हो चुका है हेयर को वॉश कर रहे हैं। उसके बाद गाइस ये फिर से मेरे हेयर को वाटर की हेल्प से अच्छे से हेयर वॉश करेंगे। उसके बाद ये सेकेंड टाइम फिर से मेरे हेयर में हेयर मास्क लगाने वाले हैं और इसे अच्छे से 5 से 10 मिनट अप्लाई करने के बाद हेयर मास्क को अच्छे से फिर से वाटर से वॉश कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हैं गाइस क्या होता है, हेयर मास्क से हमारे हेयर को अच्छा पोषण मिलता है और स्मूदनिंग शाइनिंग मिलता है। इससे हेयर मास्क को अप्लाई दोबारा कर रहे हैं ताकि मेरे हेयर को एक्स्ट्रा शाइनिंग स्मूदनिंग और सिल्की देगा हेयर मास्क से, और इसे वाटर से 10 से 15 मिनट वॉश करने के बाद उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस हेयर मास्क 10 से 15 मिनट से अच्छे से मसाज हो चुका है, उसके बाद ये वाटर से मेरे हेयर को वॉश कर रहे हैं और ये कम से कम 10 से 15 मिनट मेरे हेयर को वॉश करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस वाटर से मेरा हेयर वॉश हो गया, उसके बाद ये टॉवल की हेल्प से मेरे हेयर को अच्छे से ड्राई कर रहे हैं। उसके बाद टॉवल से ड्राई करने के बाद ये हेयर ड्राई को अच्छे से मेरे हेयर में हेयर को ड्राई करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं ये मेरे हेयर को 5 मिनट में ही ड्राई हो गया था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हॉट हेयर था, इसके वजह से मेरे हेयर बहुत ही जल्दी ड्राई हो गया था। गाइस गाइस मेरा हेयर ड्राई हो चुका है, अब कॉम कर रहे हैं मेरे हेयर में। अच्छे से कॉम करने के बाद ये दोबारा मेरे हेयर को स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद ये मेरे हेयर को सेक्शन बाई सेक्शन स्ट्रेटनर की हेल्प से मेरे हेयर को फिर से दोबारा स्ट्रेट करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं मेरा आज स्ट्रेटनिंग था, उसके बाद मुझे 2 दिन बाद दोबारा आना है मेरा हेयर वॉश के लिए, उसके बाद हेयर केराटिन के लिए, उसके बाद ये भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ।
गाइस आप देख सकते हैं मेरे हेयर में शाइनिंग स्मूथनिंग आ चुका है। आई होप यू गाइस मेरा अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा और मेरे वीडियो आप अगर इन्जॉय किए हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे वीडियो में अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रेटनिंग कम्प्लीट हो चुका है और ये लास्ट में इन्होंने सीरम लगाया है, हेयर सीरम लगाया है, उसके बाद ये मेरा फाइनल लुक है गाइस। आप देख सकते हैं गाइस मेरे हेयर में बहुत ही शाइनिंग स्मूथनिंग और बहुत अच्छी तरीका से स्ट्रेट हो चुका है। आई होप यू गाइस मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।